आपके इंस्टाग्राम के उत्ते वीडियो पाँदा वा पुलिस क्रूजर के बैठा समाइल करता हुआ पुलिस के क्रूजर के फोटो किमें पा रहा बह के डोर ओपन किमें हो गया किड़े ऑफिसर का क्रूजर सेगा जिदे इदा ही जाके बंदा बह गया तो वह आपके सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पा रहा वा तो थ्रैट कर रहा वा कैप्शन के लिख रहा पुत बच के तो गाने वो ला रहा वा पूरे चकमे जिदे गन्स का यूज़ हो रहा वा तो बेसिकली वो मैसेज देना चाहता भी मैं बाहर आ चुका मैनू सिस्टम की कोई परवाह नहीं गी। पुलिस ने कहा कि किसी को भी कोई भी शक होंदा है एमरजेंसी है तो 911 कॉल की जाए अगर एक्सटॉर्शन का कोई है तो एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स नू टोल फ्री नंबर जिहड़ा असीं डिस्प्ले कर रहे उत्थे कॉल की जाए ताकि हमेशा जिन्हां नू बेल ते छड्या जांदा है पुलिस दी रडार ते रहिंदे है। एक्सटॉर्शन का मुद्दा कैनेडा च पख्या होया है और काफ़ी लोगों के कंसर्नस है जिहड़े बिजनेसमैन है वेल्दी बिजनेसमैन उन्हां ते एक्सटॉर्शन दीआं थ्रैट आईआं उहदे बाद पील रीजनल पुलिस ने एक एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स बनाई सी जिदा नंबर टोल फ्री नंबर है इशू किया गया टोल फ्री नंबर असी डिस्प्ले भी करते हैं स्क्रीन पर उदे बाद असी गलबात की कुछ विक्टिम्स नाल एक्सटॉर्शन दे विक्टिम्स नाल उन्होंने अपनी कहानियां स्टोरीज शेयर कीतियां। 7 फरवरी नू पील रीजनल पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिदे च OPP की मदद नाल 5 इंडिविजुअल्स नू अरेस्ट किया गया जिदे च 3 मेल्स और 2 फीमेल सीगियां 5 जने अरेस्ट किए गए OPP की मदद नाल पील रीजनल पुलिस ने अरेस्ट किए। 8 फरवरी नू जिहड़े विक्टिम्स है उन्हां दा कहना है कि 8 फरवरी नू जिहड़ा एक इंडिविजुअल है जिहनूं अरेस्ट किया गया सी उहनूं बेल मिल गई बेल ते उह बाहर आ गया। बेल लेना हर किसी का हक है क्योंकि साढ़े कोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बंदे नूं पिछे नहीं रख सकते जेल के सलाखा दे क्योंकि सिस्टम अपना काम करदा और जिहड़ी बेल मिलती है वह बॉन्ड रख के भी दित्ती जाती है और जिहड़ा कोर्ट का प्रोसैस है जस्टिस ऑफ पीस वह डिसाइड करदे कि किन्ने बॉन्ड ते किहनूं किद्दां बेल मिलनी है। पुलिस ने जिथे अपना काम किया OPP ने अपना काम किया बंदे अरेस्ट किए जो एक्सटॉर्शन के जिन्हों पर चार्जिज लगे क्रिमिनल चार्जिज भी लगे। लोगों ने काफ़ी सवाल पूछे कि बेल क्यों दिती गई जब इन्ने हीनियस क्राइम थे। सो असी विक्टिम्स नाल गल कीती है जिन्होंने आ कंसर्न है अपनी सेफ्टी का कि आ जिहड़े क्रिमिनल्स है आ बाहर आ गए है बेल पर हुण सोशल मीडिया से ओपनली पोस्टा पा रहे हैं कि सन बी केयरफुल पुत बच के रहो पुत थानू देख लेंगे इदा के कमेंट्स भी पाए गए इदा के टैग भी सोशल मीडिया से आ जोड़े एक्सटॉर्शनिस्ट है उन्होंने तरफ तो पाए गए। ये बाद सेफ्टी का मुद्दा आंदा है जोड़े विक्टिम्स है उन्होंने पुलिस को भी रीच किया और पुलिस का कहना है असी भी पुलिस को रीच किया पुलिस का कहना है कि जिन्हें भी बेल से बाहर आते हैं हमेशा पुलिस की रडार से रेंदे है। सेफ्टी का मुद्दा लोगों को कहा गया सेफ रहो केयरफुल रहो सामने आके रिपोर्ट करो अगर थोनों लगता है कि जिन्होंने छड़िया गया बेल पर वो कोई इदा की एक्टिविटी करते हैं दोबारा एक्सटॉर्शन की या थोनू रीच करते हैं बिजनेसिस से रीच करते हैं तो टोल फ्री नंबर जो स्क्रीन पर दिता गया उसे कॉल की जाए एमरजेंसी केस है तो 911 से कॉल की जाए पुलिस की तरफ तो आ गया जिथे साढ़े कोर्ट्स साडा सिस्टम अपना काम करता है पुलिस का काम है अरैसट करना जो पुलिस ने किया। सो असी गल की है वो तीनों विक्टिम्स नाल बिजनेसमैन जिहड़े ब्रैम्पटन के रहने वाले है उन्होंने पील रीजन के रहने वाले है जिन्होंने अपनी स्टोरीज शेयर की हैं कि जो लोग बेल से बाहर आए एक्सटॉर्शनिस्ट उन्होंने हुण सोशल मीडिया से ओपनली जिहड़े कैप्शन पाने शुरू किए कैप्शन और के सन बी केयरफुल इदा के कैप्शन। सो जिहड़े आ बिजनेसमैन है इन्हों किस चीज़ का खतरा महसूस हो रहा है क्यों इन्हों के कंसर्न है सुनते हैं इन्हों की जबानी। सो जिदा वो बंदा बाहर आ जाता वा सो सानू पहली गल विक्टम सर्विस ने कोई कॉल करके अवेयर नहीं किया भी उहदी बेल हो चुकी है क्योंकि पहला कॉल आउंदी सीगी भी अज उहदी कोर्ट हीयरिंग आ ते थोनू दसांगे की होया। वो बंदा बाहर आ जांदा वा ते वो आपदे सोशल मीडिया दे उत्ते पोस्ट पा रहा वा ते वो थ्रैट कर रहा वा कैप्शन दे विच लिख रहा पुत बच के ते गाने वो ला रहा वा पूरे चकमे जिहदे विच गन्स दा यूज़ हो रहा वा। सो बेसिकली वो मैसेज देना चाहुंदा भी मैं बाहर आ चुका मैनू सिस्टम की कोई परवाह नहीं गी तो सिस्टम मेरा कुछ नहीं कर सकता तो हुण आपां फिर प्रमोट कर रहे आपका क्रिमिनल जिहड़े उहदे ते चार्ज लगे आ वह पोस्ट उही पाउंदा जिहड़ी पील पुलिस ने पाई सीगी 7 तरीक नूं उहदी फोटो ला के सारी उही यूज़ करदा तो वह दस रहा भी हुण मैं बाहर आ चुका वा तो इहदे नाल आपां नूं टोटली अनसेफ फील हो रहा क्योंकि आपां नूं लग रहा भी एक्सट्रैक्शन के चार्ज तो बाद भी बंदा नैक्सट डे बाहर आ गया जदों कि इंटरनेशनल लैवल पर मीडिया रिलीज़ के पिक्चर लॉन्च की सी। तो एक चीज़ होर वो सिर्फ एक्सटॉर्शन के चार्ज लगे आते कोई थ्रैट का चार्ज नहीं लग्या कोई पब्लिक सेफ्टी कंसर्न का चार्ज नहीं लग्या सिर्फ एक्सटॉर्शन ही क्यों। सो ये सिर्फ क्लीयरली हुण दस रहे हैं कि अपना सिस्टम इत्थे हाथ सारे बन्ने हुए
एडा वड्डा सेफ्टी कंसर्न कैनेडा दे विच चल रहा, अपने लीडर सारे चुप बैठे आ, सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कोई मेजर किसी की जान जाए, जां फिर वोटां की वेट हो रही है कि जो वोटां पैणगियां उदों आपां इह मुद्दा उठाणगे, वोटां लैण नूं हॉट टॉपिक बना के वोटां जित लांगे। सो सारे चुप बैठे आ। जदों भी सानूं कॉल्स आईयां सीगियां पुलिस वल्लों कोई प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं सी, पुलिस सानूं क्वेश्चन करदी सी कि तुहानूं कदों अटैक करन आ रहे आ, सानूं वो पुछदे सी वी तुसीं तुहानूं सानूं दसदे सी वी तुसीं रीलोकेट हो जाओ। सो कैनेडा दे विच इह हद तक मुसीबत आ गई कि सानूं घर छड्डने पै रहे आ। सो साढ़े बिजनेस ते अटैक हो रहे आ, घरां ते अटैक हो रहे आ। सो जिहड़े डैमेजेस हो रहे आ कौन रिसपोंसिबल आ उहदे लई? सानूं नेरे सवेरे देख के निकलना पै रहा, साड़ियां फैमिलीज़ डरिया हुई, साढ़े इंपलॉइज़ डरे हुए, कई बंदे काम छड्डण दीआं गल्लां कर रहे आ। मतलब कैनेडा च आ के बंदा सक्सैसफुल हुंदा, हार्डवर्क करदा, अज आपां उह स्टेज ते खड़े आ कि जां तां कंट्री छड्डीए जां तां आपदे आप नूं लाइफ रिस्क ते ला के बाहर निकलीए। सो जिहड़ा बंदा इन्हां ने हुण बेल ते छड्डिया वा, मीडिया रिलीज़ दे विच उन्होंने कहा सी कि आह बंदे दा कोई फिक्सड एड्रेस नहीं हैगा। वो बंदा बाहर आ गया जिहदा फिक्सड एड्रेस नहीं, हुण जे कोई चीज़ करदा पुलिस उन्हों किवें दुबारे फड़ूगी? जे फड़ भी लिया उन्हें बेल ते फिर बाहर आ जाना। मीडिया रिलीज़ दे विच अपने मेयर ने पैट्रिक ब्राउन ने कहा सी दीज आर सीरीयस क्रिमिनल चार्जिज, बेल नहीं होगी। नैक्सट डे वो बंदा बाहर आ जाता। सो की पील पुलिस ने सिर्फ हाई प्लैन लिए किया सीगा? उन्हां दा मकसद की सीगा मीडिया रिलीज़ का जे बेल ग्रेंटड सीगी? तो 26 तरीक नूं वो बंदा अरैसट हुंदा, 25 तरीक नूं आपदे इंस्टाग्राम दे उत्ते वीडियो पाउंदा वा पुलिस क्रूजर दे विच बैठा समाइल करदा होया, की दिखाउणा चाहुंदा वी मेरी पुलिस जेब दे विच आ, मेरे फ्रेंड आ सारे पुलिस। एक बंदा पुलिस दे क्रूजर दे विच फोटो किवें पा रहा, बह के डोर ओपन किवें हो गया, किहड़े ऑफिसर दा क्रूजर सीगा जिहदे विच इदां ही जाके बंदा बह गया? तो नैक्सट डे उहदे ते एक्सट्रोशन दे चार्ज लग रहे आ। एक दिन दे विच की हो गया? तो इहदे तों बिना हुण बजट वधा रहे आ, सारा पुलिस दा बजट वधा रहे आ, पर जे पुलिस ने बंदा फड़ के नैक्सट डे छड्डना ही आ तां पुलिस की कर रही है? जिहड़े आपां टैक्स पे कर रहे हैं फिर भी आपां सेफ नहीं हैगे, उहदे तों बैटर आ कि आपां टैक्स पे ना करिए, आपां आपदी सिक्योरिटी आप कर लीए। कैनेडा दे विच हुण जिद्दां गन्स बैंड आ, इन्हां बंदियां कोल गन्स कित्थों आ रहीआं वा? सिटीजन गन नहीं रख सकदा बिकॉज वह रिस्ट्रिक्टड ने, पर एक क्रिमिनल्स कोल गन्स किद्दां आ रहीआं वा? ये बहुत वड्डा सवाल अपने सिस्टम ते आ कि कोई भी बंदा अज की डेट के सेफ नहीं है। सो फैमिलीज़ भी ओबियसली कह रही कह रहे हैं भी काम से जाने की लड़ नहीं, तुम घर बह जाओ बिकॉज लाइफ वध जरूरी आ। सो जी चीज़ आप हम करते आप इन्नी मेहनत करके सारा कुछ सैटअप करते हैं लाइफ के, जे उ चीज़ थोड़ा नुकसान करती है तो फिर कैनेडा अर्गी कंट्री का कोई फायदा नहीं आता। ये तो इलावा भी हूँ जिदा आप रोज़ सोशल मीडिया से देखते हैं एवरी डे ब्रेकिंग हो रहे हैं, लोग गन लैके घर के दरवाजे तोड़ रहे हैं, गड्डियां चोरी हो रही घर के अंदरों चाबी चक के, सिस्टम किधर नू जा रहा है, अपने पॉलिटिशियंस कित्थे आ? जे आप एम पी पीज़ की भी गल करिए उन्हां दीआं भी गड्डियां चोरी हो चुकी, जे उन्हां दीआं गड्डियां नहीं सेफ वो पब्लिक नू किवें सेफ रख सकते आ? तो जिहड़े हुण जिद्दां बंदे नू बेल मिल गई आ, की इहदे पिछे पोलीटिकल सपोर्ट हैगी आ? इदां बंदा इन्नी मेजर चार्ज तो बाद नैक्सट डे बाहर आ रहा वा मीडिया रिलीज़ तो, आपे बाहर नहीं आ सकता? जे किसी ने उहदी बेल दे पैसे दित्ते आ, बॉन्ड भरिया, कुछ भी होया, वो पैसे किने दित्ते आ, वो फंडिंग कित्थों आई आ? देखो जी, पुलिस वालों तो कोई इनफॉरमेशन नहीं दिती गई सी कि वो बेल ते बाहर आ चुके ने, ते जस्ट सानूं सोशल मीडिया तो पता लग्या कि वो बाहर आ चुके ने, वो पोस्टां पा रहे ने सोशल मीडिया ते विदाउट एनी हैजीटेशन। उन्हां नूं कोई डर नहीं, कोई कुछ कुछ नहीं, ना पुलिस का डर है ना लॉ का डर है, ते वो अपना जस्ट सारा शो ऑफ कर रहे ने, गन्स वगैरह भी गड्डियां भी है, तो इन्हां दीआं गड्डियां विदाउट लाइसेंस प्लेट घूम रही ने, तो आई थिंक बिना इंश्योरेंस तो भी होणगियां। मेरे को ऑलरेडी 200-250 बंदा काम करता है, वो सेफ नहीं फील करता, तो इन्ने बंदे काम छड रहे ने, तो पब्लिक आई थिंक जे उन्होंने भी गोली बाहरों चलती है तो इंपलाइज़ भी कित ना कि लग सकती है, तो कोई कस्टमर आए होंगे साढ़े उन्होंने भी लग सकती है गोली, तो पुलिस उस वेस्ते की कर रही है ये क्वेश्चन है। तो बाकी साड़ी फैमिलीज़ वगैरह है, फैमिली डरी हुए ने, वो कहते बिजनेस से जाने की लोड़ नहीं है, सानू अपनी लाइफ ज़्यादा इंपोर्टेंट है, बिजनेस इंपोर्टेंट नहीं ने, तो जे इदा रहेगा तो हौली हौली सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे, फिर की करनगे? देखो कॉल्स तो 2-3 बारी आईया ने पर फायरिंग एको बारी हुई है,
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਫਟ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਲ 'ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਅ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੇਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਸ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਨੋਟ ਫੀਲਿੰਗ ਸਿਕਿਓਰ ਐਕਚੁਲੀ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਈਵਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬੇਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਮਾੜੇ ਚਾਰਜਸ ਲੇ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ OPP ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਇਹ ਇਮੇਜ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੀ ਜੋਬ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਅਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆ ਚਾਰਜਸ ਇਨਫ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੋਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਚਾਰਜਸ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇਨਫ ਹੈ ਸੋ ਅਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜਸ ਆਰ ਦੇ ਇਨਫ ਟੂ ਕੀਪ ਦੈਮ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਸਲਿਊਟ ਟੂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਹੂ ਵਰਕ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਫੋਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਟ ਵੀ ਗੋਟ ਸ਼ੌਕਡ ਵੈਨ ਦੀਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਆਊਟ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਔਰ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਚਾਰਜਸ ਇਨਫ ਟੂ ਕੀਪ ਦੈਮ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਸ ਔਰ ਟੂ ਡੂ ਡਿਪੋਰਟ ਦੈਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕਲੀਨ ਦਾ ਮੈਸ ਹੇਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਟ ਟੂ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨ As you know, with all of these complex investigations, we're one key component of the justice system, and these specific charges need to proceed before the courts, which our investigative teams are working tirelessly with you know, our local crowns to ensure that the best cases are put forward. And that is a reflection of why we have such a you know, skilled and talented set of investigators. As you know, everybody's circumstances are different. The charges, Superintendent Thompson has relayed, will all have to be heard before the courts, the outcomes of which we cannot tell you or predict, Nitin, for sure. And as it pertains to, you know, people's residency or their, you know, their status, you know, we know there's a wide range of individuals involved. And our goal is to mitigate the risk, prevent it from happening, and then afterwards the other systems will just have to fall into place. ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਲ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੇ ਅਪ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਏ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ Yeah, today's a great day for public safety. Today's a great day, a vindication for the victims of these heinous crimes. So how confident are you that they will be out on bail very soon?
So these are very serious charges, and so you can never presume what the outcome of the judicial process will be, but these are very serious charges that would have serious sentences. You want to send any strong message to the higher levels, to the politicians, upper level, provincial, federal, because break and enter, scary videos, 4 a.m., 3 a.m. in the morning, what the residents should do? How can they feel themselves safe when we see that kind of armed people entering your homes? So, no, I would say, first of all, thank you to the provincial and federal governments. Michael Kirzner, the Solicitor General, Dominic LeBlanc, the Federal Public Safety Minister, have been in touch. This example of extortion, there's been a high level of collaboration, and certainly I would love to see that level of acute collaboration on other criminal threats. You know, I'm heading later today with Chief Nish to the Auto Theft Summit in Ottawa. This is an example of collaboration that is welcomed. And we've been talking about auto thefts for a long time in Peel. The fact that we've got the government's focus and attention on it right now is very encouraging. And I would note some of these break-ins are associated with auto theft industry. You see someone breaking in to get keys. You know, these carjackings and auto thefts have just become so blatant that it's harrowing. And so when you say, you know, what can other levels of government do? I believe we're starting to see that collaboration happen, and I just hope it continues to occur. Finally, Chief Nish said that Canada has the highest, longest undefended border from where the guns are coming in. Cars are going out, guns are coming in, so drugs are coming in. So we need a reforms at all the levels, political levels, because before elections, which is next year, we see some activities, and then 4 years passed like this. Well, I don't think we know when the next election is going to be, obviously. Yeah. That's not a fixed date. But what it would say is right now, we're having cooperation from the Government of Canada. I welcome the summit. I think we're going to be talking about a lot of those issues. You mentioned the border. Obviously, the Port of Montreal is a big concern that the Peel Police have articulated, I've articulated. And the fact that the Government of Canada is at the table to help is good news. Whether, you know, end of the day, whether it should have been 4 years or 5 years ago, that collaboration happened or that focus on the ports, I'm just happy it's happening. And so I go to Ottawa for this summit, very encouraged that the government of Canada is at the table, eager to help. So assi sare pak sune victims de pak sune ke unhan nu apni security da khatra hai, lekin police ne kiya ke kisi nu bhi koi bhi shak hunda hai, emergency hai te 911 call kiti jaye. अगर एक्सटॉर्शन का कोई है तो एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स नू टोल फ्री नंबर जिहड़ा असी डिस्प्ले कर रहे हैं उत्थे कॉल की जाए ताकि हमेशा जिन्हां नू बेल ते छड्डिया जांदा है पुलिस दी रडार ते रहिंदे है. इज नॉट ईजी कि उन्होंने छड़ता तो वह ओपन है तो दोबारा कोई एक्टिविटी कर सकते हैं लेकिन पुलिस की रडार के अंदर है. पुलिस उन्होंने बहुत जल्दी दोबारा चक सकती है अगर वो कोई भी एक्शन लेंदे क्योंकि बेल जी मिलती है वो कंडीशन से मिलती है. सो तुसी भी अपने जिहड़े विचार है कि जिदा इदा का हीनियस क्राइम है वो उपर बेल तो जोड़े क्रिमिनल साहब बाहर है तो वह की खतरा है सोसायटी कि नहीं ए अपने विचार जरूर साझी करो. और आ सारी जी रिपोर्ट असी की गई है क्योंकि सेफ्टी पब्लिक सेफ्टी के कंसर्न लैके जेडे एक्सटॉर्शन के कॉल थ्रैट्स आए थ बिजनेसमैन पील रीजन के उन्हों की सेफ्टी क्योंकि उन्होंने कंसर्न सके कि साड़ी जी सेफ्टी साडे पोलीटिशन साडा सिस्टम सियासतदान सानू सेफ्टी प्रोवाइड करे असी सेफ नहीं फील करते साडे बिजनेस जिहड़े है इफेक्ट हो रहे है साडे कस्टमर इफेक्ट हो रहे है. तुसी भी अपने विचार सांझे करो.